I'm gonna kill that one before the second one. नमस्कार, मैं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी के जनता कॉलेज में और यहां पर करवाई जा रही है भूकंप की मॉक ड्रिल। आपको यहां पर हम पहले ही बता दें, क्योंकि आप किसी भी तरह का जो डर है वो अपने मन में पैदा ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मॉक ड्रिल है और अभी कोई भी किसी भी तरह का भूकंप अभी आया नहीं है। लेकिन हालांकि जो मॉक ड्रिल है और यहाँ पर दादरी के अलग अलग जो क्षेत्रों में जो है मॉक ड्रिल की जा रही है, उसी दौरान यहाँ पर जो भगत सिंह मार्केट है उसके अंदर जहाँ आग लगी, वहाँ से अभी जो गाड़ी है, एम्बुलेंस है, वो जो वहाँ से घायल हैं उनको अभी लेकर के यहाँ पर पहुँची है। और अब जो गाड़ी है वो लेकर के इनको जो मेडिकल कैंप यहाँ पर बनाया गया है चरखी दादरी के जनता कॉलेज में, वहाँ पर पहुँचा जा रही है। ये एक तरह से मॉक ड्रिल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी कभी ऐसे हादसे होते हैं तो हादसे के दौरान में इसी तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाती हैं। आप यहाँ मेरे पीछे देख पाएंगे कि जो अलग अलग कैंप यहाँ पर बना रखे हैं, उन कैंपों में यहाँ पर जो भी घायल होगा या जिसको भी कोई इंजरी किसी तरह की होगी तो वो सभी लोगों को यहाँ पर इस कैंप के अंदर लेकर के आया जाएगा और यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा उनका इलाज किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मॉक ड्रिल है और मॉक ड्रिल जो है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और नज़दीक से दिखा दूँ कि जो मॉक ड्रिल है वो जिला प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे जो उपायुक्त हैं, उनकी देखरेख में ये सारी मॉक ड्रिल की जा रही है। और उस दौरान में यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूँ कि जो भी जगह हैं उनका जो मॉक ड्रिल का जो एक टाइमिंग है वो पहले से निश्चित किया गया था, सारी तैयारियाँ की गई थी। हालाँकि जब भी कोई इस तरह की जो आपदा होती है तो उस दौरान में इस तरह की जो तैयारियां होती हैं वो नहीं होती। यहाँ मेरे पीछे जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेन जो कमांड जो ऑफिस है वो यहाँ पर बनाया गया है, जितने भी कमांड्स हैं वो यहाँ से सारी दी जा रही हैं, जितने भी अधिकारी हैं जिला के वो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके द्वारा हर जगह को मॉनिटर किया जा रहा है कि कहाँ पर किस तरह से किस तरह का भूकंप आया है या वहाँ पर आगजनी हुई है, तो वो सभी के सभी जो कमांड्स हैं वो यहाँ से दी जा रही हैं, चाहे वो CMO ऑफिस को हो या फिर जो NDRF टीम है उसकी तरफ से हो, सबको यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ आप मेरे पीछे जैसे आप देख भी पा रहे हैं मेडिकल पोस्ट है, यहाँ पे साइड में फर्स्ट एड जो के लिए पोस्ट बनाई गई है और इन सभी जगहों पर जो भी घायल जो लाए जाएंगे उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपको यहाँ बता दूं कि जो पहली लोकेशन थी मेन बाज़ार में थी और बिल्कुल वहाँ पर जितने भी जो फंसे हुए लोग थे उनको फटाफट से जो मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाई गई है और वहाँ से इनको यहाँ पर लेकर के आया गया है और अब जो है इनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अभी देखने वाली यही चीज़ रहेगी कि लगातार कहाँ से जो अधिकारी हैं वो अपने मॉक ड्रिल का जो एक टेस्ट है वो एक तरीके से अपने तरीके से कर रहे हैं, जहाँ के भी वो लोकेशन बता रहे हैं वहाँ पर तुरंत जो टीमें हैं, जो आपदा प्रबंधन के लिए जो टीमें बनाई गई हैं वो अपना अपना कार्य कर रही हैं और जाकर के उस जगह पर जो भी घायल है उसको सहायता प्रदान कर रही हैं। आप यहाँ पर और भी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप काफ़ी सारे बच्चों को देख पा रहे हैं, ये जो बच्चे हैं ये कहीं NSS के हैं, NCC के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर वॉलंटियर के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने को रखा गया है। जो भी कहीं पर भी कुछ ऐसी आपदा होती है तो वहाँ पर इन वॉलंटियर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है वॉलंटियर्स आप सभी लोग हैं, जब भी कभी आपदा होती है तो अपने आसपास में जहाँ पर भी ऐसी हो तो अपने आसपास में जो भी घायल हो उसकी सहायता करना आपका फर्ज बनता है, तो आपको भी ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आप भी लें। तो यहाँ देखिए अब जो भूकंप की मॉक ड्रिल है वो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पीछे से सायरन की जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो सारी यहाँ पर की गई है और जनता कॉलेज में हम यहाँ पर खड़े हैं और जनता कॉलेज में अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको बचाने का अब जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और चलिए आपको दिखाते हैं लगातार कि क्या कुछ होता है। बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, जैसे ही कुछ अंदर जाने का रास्ता मिलता है तब ये अंदर जा करके पहुँच रहे हैं और अंदर पहुँचने के साथ ही जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर स्टार्ट की जाएंगी। यहाँ पर अभी जो सभी बच्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि लाइट थोड़ी सी कम है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो गेट के ऊपर ही बिल्कुल, और ऊपर जो है वो सारा का सारा किया गया है, यहाँ पर हम बिल्कुल ऊपर जाएंगे, ऊपर जो है यहाँ पर बच्चों को भी रखा गया है और उन बच्चों को यहाँ पर बताया गया है कि लेकिन
दौरान में जैसे भी प्रोसेस होगी वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉलंटियर्स हैं वो जल्दी से यहाँ पे पहुँच रहे हैं और जल्दी जल्दी पहुँच करके यहाँ पे बच्चों को बचाया जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं, जल्दी ऊपर आ जा। जहाँ पर भी बच्चे होंगे उनको यहाँ पर बचाया जाएगा। माथे और यहाँ पर ये देखिए एनसीसी के जो वॉलंटियर्स हैं और जो दूसरे वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये देखिए धीरे धीरे इनको निकालने की यहाँ से पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार भगदड़ मचाने की इसमें कोई जरूरत नहीं होती, आपको धीरे धीरे से ये निकलना होता है, क्योंकि अगर भगदड़ आप मचाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको ही चोट लगेगी, आपके साथी को चोट लग सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भगदड़ है वो बिल्कुल भी नहीं मचानी है, आपको बिल्कुल आराम से निकलना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बचाया जा सके। यहाँ पर कोई फंसा हुआ बताया गया है, यहाँ कोई कमरे में फंसा हुआ है, कमरे में जैसे फंसे हुए बच्चे, और इस दौरान में यहाँ से इनको बचाया जाएगा। नीचे से देखिए जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे किस तरीके से इनको बचाया जा रहा है। हम आपको दूसरी तरफ से दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रोसेस के दौरान हम किसी को परेशान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे हैं जिनको यहाँ से लेकर के जाया जाएगा। यहाँ बच्चों को जैसे बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ से निकलना है और उसके बाद यहाँ से उनको लेकर के जाया जाएगा। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पर जैसे पर बच्चों को यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है। आपको यहाँ से दिखा भी देते हैं कि किस तरीके से उनको यहाँ से लेकर आया जाएगा। घायलों को स्ट्रेचर पे जो वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा यहाँ से लेके जाया गया है। रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स जो कि लगभग आपको हर जगह पर देखने को मिलते हैं कि जैसे ही कुछ इस तरह की आपदा होती है तो वो तुरंत ही एक्शन में आते हैं। यहाँ पे बच्चों को जो और दूसरे जिनको चोटें लगी हैं उनको लेकर के जाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का जब भी कुछ आपदा आती है, चाहे भूकंप है, आग है, कुछ भी है, उस दौरान में आपको एक्टिव रहना है, अपने आप को संतुलित रखना है, ताकि किसी के भी रास्ते में आप ना आए, भगदड़ ना मचाएं। अगर भगदड़ मचाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको उसकी हानि जरूर होगी। आराम से लाइन से आराम से निकलेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। यहाँ पर आप सभी को निकाला जा रहा है, नीचे से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो ग्राउंड से और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एनसीसी के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर अपनी पूरे जो है पूरा अपना साथ देते हुए हैं। और जाहिर सी बात है मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि इस तरह की जब कंडीशन होती है तो आपको अपना बचाव तो करना ही है, साथ ही साथ अगर आपसे हो सकता है तो अपने साथी का उसका भी बचाव करें, जिससे कि जो साथी है वो भी अपनी चोट से बच सके, या तो अगर उसको चोट लगी है तो उसको इलाज के लिए आप पहुँचा सकें। चाहे वो बाइक से जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर पहुँच रही है, बड़ी एम्बुलेंस जो है वो है वो भी पहुँच रही है, और यहाँ पे जल्द से जल्द जो है कार्रवाई यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। जो आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं, एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं वो यहाँ पर जो अपने पीठ पर लाद करके जो फायर ऑफिसर हैं वो यहाँ पर जाने की है और अंदर जाया जाएगा जहाँ पर आग लगी हुई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो बड़ी फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँची है उसमें भी यहाँ पर प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। छत के ऊपर जब आग लगी होती है तो यहाँ पर सीढ़ी का जो इस्तेमाल किया जाता है, और सीढ़ी के इस्तेमाल
से छत के ऊपर पहुंचा जाएगा और छत के ऊपर से फिर जो है वो आग को बुझाया जाएगा। यहाँ पर लगातार जो है ये सभी जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और उस दौरान में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो कार्य कर रहा है उसके रास्ते के बीच में ना आए, जिससे कि वो अपना कार्य सही से कर पाए, नहीं तो किसी की भी जान को हानि हो सकती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हर जगह से जो INDRF की जो टीमें हैं, जो आपदा प्रबंधन के लिए जो टीमें बनाई गई हैं, वो सभी की सभी यहाँ पर पहुँच रही हैं, चाहे वो एम्बुलेंस है, चाहे फायर ब्रिगेड है, सभी की सभी अपना अपना कार्य टाइम से करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है यहाँ पर बचाया जा सके। क्योंकि कॉलेज में जब इस तरह का जब होता है तो कॉलेज में काफ़ी हज़ारों बच्चे होते हैं और उनको बचाना छोटा काम नहीं है, और उसी टाइम पर वहाँ पर वॉलंटियर्स जो है वो भी उसका कार्य करते हैं, और वॉलंटियर्स भी जो राहत कार्य के दौरान में उनको काम किया जाता है, उनको काम दिया भी जाता है। और जाहिर सी बात है, जब मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप खुद को बचाइए और साथ में अगर हो सके तो अपने साथी को भी बचाने की पूरी कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर एम्बुलेंसेज पहुँची हैं तो जो ज़्यादा ही सीरियस जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पर एम्बुलेंस की सहायता से दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स में यहाँ पर भेजने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है ये प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ का इलाज अब अपने हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है उसको किसी भी बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। इसी दौरान मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि जो छत के ऊपर जो है वो छत के ऊपर से जो आग बुझाने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। जो पानी की बौछार हैं वो यहाँ पर की जा रही है, और जाहिर सी बात है एकदम से दो मंजिली इमारत के ऊपर पहुँचना, सीढ़ी की सहायता से यहाँ पर जो फायर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और उसके बाद उनको वहाँ ऊपर जो आग लगी है उनको बुझाने का उन्होंने कार्य किया है। छत से भी जो बच्चे जो वहाँ ऊपर अट गए थे, जो बाहर नहीं निकल पाए थे, उनको सीढ़ी की सहायता से यहाँ पर नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। हम जो असेंबली जो एरिया है उसमें हम पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर जो बच्चे अंदर फंसे हुए थे हम उनसे पहले बात करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, जो पूरी मॉक ड्रिल के दौरान में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या उनके साथ हुआ, कैसे उनको बाहर निकाला गया, कैसे आप लोगों को क्या हुआ था, एक्चुअल में स्टार्टिंग में क्या हुआ था? स्टार्टिंग में हम जब रूम में गए क्लासेस में बैठे बेंच पर तो हमने सुना कि बाहर आग लगी हुई है, तो फिर रेड क्रॉस सोसाइटी आई और हमें उन्होंने हमें बचाया और हमें और भी अदर इंस्ट्रूमेंट दिए बचाने के लिए और हमें एग्जिट डोर से बाहर निकाला। जी, कौन कौन सी टीमें यहाँ पे पहुँची थी आपको बचाने के लिए? रेड क्रॉस सोसाइटी और हॉस्पिटल से भी कुछ टीम आई हुई थी। अच्छा, तो आप भी जैसे फंसे हुए थे वहाँ पर, तो आपको क्या लगा कि आपको समय रहते बचा लिया गया या कैसे? हाँ, हमें समय रहते हुए बचा लिया रेड क्रॉस सोसाइटी वाले वालों ने, और पुलिस के भी आदमी थे और डॉक्टर्स की भी टीम थी, उन सब ने हमें बचाया। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, आप फंसे जहाँ पर, क्या आप लोगों को कुछ पता था इस बारे में कि कैसे अगर भूकंप आ जाता है, आग हो लग जाती है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? हमें भूकंप आ जाए या आग लग जाए तो दीवार के पास पास के स्थान से निकलना चाहिए, ताकि जब भी भूकंप आता है तो दीवारें जो होती हैं, जो छतें होती हैं, वो ऐसे एंगल की शेप में गिरती हैं, ना कि सीधा, तो इसलिए दीवार के साथ साथ चलना चाहिए। ठीक है, तो आपको भी कुछ बताया गया था या आप अपनी जगह पे बैठे रहे थे और उसके बाद वहाँ से? नहीं नहीं, हमें रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम आई, उन्होंने पहले बताया कि भैया ऐसे ऐसे करना है, फिर हमें एग्जिट डोर से बाहर निकाला। आप बिल्कुल ठीक हो, कहीं पे आपको चोट नहीं लगी है, तो क्या आपने किसी दूसरे भी अपने साथियों को बचाने की कोशिश की? हाँ जी, हमने अपने सभी फ्रेंड सर्कल में देखा कि हमारा कोई फ्रेंड छूट तो नहीं रहा, छूटा तो हमने टीम को बताया रेड क्रॉस सोसाइटी की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ में जो कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं हमारे जैन सर, वो भी हमारे साथ में हैं, और हम इनसे भी जानेंगे, सर कॉलेज में अचानक से ऐसा भूकंप आता है और बच्चों का आज तो मॉक ड्रिल भी, लेकिन अगर ऐसे ओरिजिनली में आ जाता है तो कैसे क्या कुछ किया जाए? हाँ, निश्चित तौर पर जो है, वैसे तो यहाँ भूकंप प्रोन एरिया नहीं है या बाढ़ की इसको स्थिति नहीं, लेकिन प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए बच्चों को। इस तरह की जो प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से कैजुअलिटी होती है, तो हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम इस तरह से सभी का सहयोग करके और जो कैजुअलिटी है यानी जीवन को बचाएं, और इसमें किस किस का सहयोग हो सकता है, किस तरह से पुलिस को कम्युनिकेट करना है, फायर ब्रिगेड किस तरह से ड्यूटी करे, अभी देखा जैसे किस तरह से ऊपर जो है कोई घायल है छत के ऊपर, उसको पुलिसमैन किस तरह से नीचे लेके आते हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ में, और इस तरह के प्रोग्राम्स अगर समय समय पर, मैं कहता हूँ, सभी शैक्षणिक संस्थाओं में होते रहें तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं ऐसा मानता हूँ। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए जो आज की मॉक ड्रिल है वो लगभग कंप्लीट होने को है, लेकिन हाल फिलहाल भी मॉक ड्रिल अभी जारी है। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख पाएंगे कि लगातार जो एम्बुलेंसेज है वो यहाँ पर लगातार अपना काम कर रही हैं, जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा रहा है, और अंदर से भी जो
जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा जो घायल हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो आपदा प्रबंधन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और उसके साथ साथ जो सभी लोगों को जानकारियाँ भी दी जा रही हैं कि किस तरीके से वो अपना आगे बचाव कर सकते हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, अभी जो प्रशासन से हैं हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ प्रबंध किए गए थे, और अगर अचानक से इस तरह का कभी कुछ हादसा हो जाता है, ऐसी आपदा आ जाती है, तब क्या किया जाएगा? अभी आप जो मेरे पीछे भीड़ देख पा रहे हैं, इस भीड़ में जो जिले के जो आला अधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, एडिशनल जो एडीसी हैं, वो जो हैं वो सभी यहाँ पर अभी मौजूद हैं, और जो पूरा जो अभी मॉक ड्रिल किया गया उस मॉक ड्रिल की यहाँ पर समीक्षा की जा रही है, और समीक्षा के दौरान यहाँ पर साफ साफ एक तरीके से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जितनी जल्दी से रिस्पॉन्स जो टीम है वो रिस्पॉन्स कर पाए उसको यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक बार दोबारा से जैसे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो कितनी जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच सकती हैं। एक बार दोबारा से अभी नंबर मिलाया गया है, और उस नंबर मिलाने के बाद में अब ये चीज़ देखी जा रही है कि कितनी जल्दी यहाँ पर जो गाड़ी है वो पहुँचेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो गाड़ियाँ हैं, जो जितने भी आपदा प्रबंधन के लिए जो गाड़ियाँ जो अरेंज की जाती हैं उनको जल्द से जल्द जो आपदा स्थल जो होता है उसके ऊपर पहुँचना होता है, तो यहाँ पर उसी को अब दोबारा से जांचा जा रहा है। और जाहिर सी बात है मॉक ड्रिल थी, तो यहाँ पर अब समीक्षा जो है वो लगातार होती रहेंगी, आगे भी समीक्षा की जो बैठकें हैं वो चलेंगी, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी जो समीक्षा की बैठकें हैं वो चलेंगी, तो उसके बाद यहाँ पर तय किया जाएगा कि आगे जो कभी अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसमें जितने भी जो विभाग है वो किस तरीके से रिएक्शन देंगे। जहाँ एक तरफ जो आला अधिकारियों के द्वारा जो समीक्षा की गई अधिकारियों के साथ, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो इस मॉक ड्रिल के दौरान में उन्होंने वॉलंटियर की भूमिका निभाई थी, उन सभी को अब जो आपदा प्रबंधन के दौरान में क्या कुछ किया जाना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक भूकंप के दौरान में वो किस तरीके से बच सकते हैं, आगजनी के दौरान में किस तरीके से बच सकते हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर अब जो अधिकारी हैं वो बच्चों को बता रहे हैं, जिससे जो बच्चे भी हैं वो कम से कम जो कैजुअलिटी उनकी हो पाए, और जाहिर सी बात है जल्द से जल्द जो लोग हैं वो अपना यहाँ से बाहर निकल पाएँ, और बाहर निकलने के बाद वो अपना जो बचाव है वो खुद का भी कर पाएँ और दूसरों का बचाव करने की भी कोशिश कर पाएँ। इसलिए आपने दीवार के साथ बहुत धीरे धीरे निकलना है, सीढ़ियों में विशेष ध्यान रखना है, अगर भूकंप की वेव्स है सीढ़ियों में हिलेंगे तो बहुत जल्दी गिरेंगे, इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान करते हुए अब जो है अगले सीन में आपने दिया। आज क्या कुछ एक कार्रवाई की गई, क्योंकि भूकंप की और फायर की जो ड्रिल है वो दोनों की गई अलग अलग तरीके से? देखिए दादरी हमारा नया ज़िला है, और एफसीआर के ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस थे कि ये मॉक ड्रिल की जानी है सभी ज़िलों में, तो ये ओवरड्यू थी, और हमने सभी विभागों की बैठक बुला के हम सोचा कि एक हमारा जो प्रिपेयरनेस है कोई भी डिज़ास्टर के प्रति, और उसमें हमारा एक कितना रेस्पॉन्स टाइम है उसको चेक करने के उद्देश्य से, लोगों को सेंसिटाइज करने के पर्पज़ से, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल फंक्शनरीज हैं, बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी एक प्रिपेयरनेस चेक हो जाए, एक्चुअल जो एक सिमुलेटेड कंडीशन में और एक्चुअल कंडीशन में दोनों में, तो कितने देर में एम्बुलेंस को कॉल होता है तो कितने देर में एक स्पॉट पर पहुँचती है, सिमिलरली फायर ब्रिगेड का है और जो भी इमरजेंसी रेस्क्यू टीम्स का, उनका रेस्पॉन्स टाइम चेक करना, और जो जो भी हमारी तैयारी में यदि कुछ खामी है वो सिस्टम से यदि प्रॉपर प्लेस में नहीं है उनको दुरुस्त करने का भी, ये हमने सोचा कि ये दिस इज़ द राइट टाइम, तो उसी के तहत हमने ये मॉक ड्रिल का आयोजन आज यहाँ पे जनता कॉलेज में किया है, तो जिसमें सीएमओ साहब, ये रेड क्रॉस की तरफ से और सीपीआर के लिए स्पेशली हमने गुड़गांव से टीम बुलवाई है, ये बेसिक सी लाइफ सेविंग टेक्निक्स हैं जो हम सबको आनी चाहिए, तो जितने भी ज़िले के अधिकारी हैं और जितने आम जन तक हम पहुंच पाएँ, हमारा मकसद तो यही है कि जैसे ये डमीज वगैरह हम प्रोक्योर करके स्कूल्स में, पंचायत्स में और जहाँ जहाँ पे है पब्लिक का जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जैसे स्पेशली पुलिस होती है रोड पे और ऑफिसर्स मान लो भी फील्ड में, तो उनको भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए, उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे आगे आने वाले समय में, और ये काफ़ी आज के जो हमें इसमें कुछ खामियाँ यदि हमें नज़र आई हैं तो सभी विभाग बैठ के और उसकी समीक्षा करेंगे, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, कौन कौन से हमारे पास इक्विपमेंट्स का अभाव है उनको भी प्रोक्योर किए, और आने वाले समय में ऐसे और भी ड्रिल्स आपको देखने को मिलेंगी रियल लाइफ कंडीशंस में, तो हम उसके लिए अपने आप को कोई भी इवेंचुअलिटी के लिए पूरा तरह से हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में ये पहला प्रयास था। सर जो काफ़ी सारी कमियां जो दिखाई दी उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा? कमियों में जैसे फायर ब्रिगेड में बेसिकली मान लो इक्विपमेंट्स की है और जैसे किट नहीं है फायर सेफ्टी का, और हेलमेट वगैरह, टॉर्च वगैरह जो भी हैं,
बेसिक तो फायर सेफ्टी ऑफिसर्स को हमने बता दिया है, वो जो जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से अपना इंडेंट प्लेस करेंगे और जल्दी से जल्दी वो प्रोक्योरमेंट करवा के उनको चीज़ें प्रोवाइड करवाई। तो इसके कम्युनिकेशन गैप भी काफ़ी दिखाई दिया क्योंकि यहाँ पर जो एम्बुलेंसेज थी वो नहीं पहुँच रही थी, दूसरी जगह पहुँच रही थी लेकिन यहाँ आ गई थी। कम्युनिकेशन गैप जगह मैंने सबसे पहले शुरू में बताया कि ये एक टेस्टिंग की बात थी कि ज़िले में पहली बार ये चीज़ हो रही है, तो जाहिर सी बात है लैप्सेज भी होंगे, गैप्स भी होंगे, तो उन्हीं गैप्स को पूरा करने का इसका मकसद था। और जो भी मिल बैठ के इसको कैसे हम और बेहतर तरीके से कर पाएँ, तो आने वाले समय में आपको और कोऑर्डिनेशन नज़र आएगा। सर एक लास्ट सवाल, अगर इस तरह की रियल टाइम सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पर ना मोबाइल चलते हैं ना ही लैंडलाइन चलते हैं, तो उस केस में इन सभी जगहों से कैसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा सर? इनके लिए भी जो इमरजेंसी नंबर्स हैं उनका भी हम नोटिफाई कराएंगे उनको प्रोमिनेंटली, हर डिपार्टमेंट के पास उसकी एक कंप्लीट लिस्ट होगी। और आज ही मैंने सभी विभाग का अध्यक्ष को निर्देश भी दिए कि अपने फ़ोन 24/7 मोड में आपके पास चालू रहने चाहिए। और एक दो इमरजेंसी नंबर्स पे शायद दिक्कत थी कि कॉल भिवानी में लैंड हो रहे थे, तो BSNL के साथ हमने टाइप करके उसको भी जल्दी दुरुस्त करा दें। अभी हमने बात की चरखी दादरी के उपायुक्त महोदय से और उन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी हैं और लगातार इस तरह की जो मॉक ड्रिल्स हैं आगे भी करते रहने के लिए बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हमने अभी पुट किया गया था कि अगर इस तरह की रियल टाइम सिचुएशन आती है तो उस में किस तरह से निपटा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन जो हैं वो काम नहीं करते हैं, लैंडलाइंस काम नहीं करते हैं, रोड जो है वो जाम हो जाते हैं, उस केस में किस तरह से वो लोग वर्क करेंगे? तो उन्होंने अभी कहा है कि आगे आने वाले समय में इसके ऊपर और कार्य होगा और जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ मिल करके अच्छी तरीके से इसमें चीज़ देखी जाएंगी कि किस तरीके से रियल टाइम सिचुएशन में वो एक्ट कर सकते हैं। तो आज ये लगातार हमने आपको जितना पूरा प्रोसेस था मॉक ड्रिल का वो हमने आपको दिखाया है और आपको हम यही कहेंगे कि जब कभी ऐसी रियल टाइम सिचुएशन आती है तो अपने आप को पहले बचाइए, उसके बाद अगर आप खुद बच सकते हैं तो उसके बाद दूसरे को भी बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक व्यक्ति दूसरे को बचाएगा तभी जाकर के सभी सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि रियल टाइम सिचुएशन में जितनी जल्दी अभी मॉक ड्रिल में जो वाहन आ रहे थे, चाहे वो एम्बुलेंस थी चाहे फायर ब्रिगेड थी, वो रियल टाइम पे इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती। तो यहां पर हम आपको यही कहेंगे कि आपस में ही जो आप एक दूसरे का साथ देंगे उससे आपको बचाव जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए VTS लाइव न्यूज, हम आपको लगातार इसी तरह की और खबरें दिखाते रहेंगे। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज के लिए।